हल्द्वानी में लंबे समय से प्राइवेट टैक्सी चालकों की यूनियन नहीं हो सकी है, जिसे लेकर चालक और मालिक यूनियन के निर्माण की तैयारियों में जुट गए हैं। आपको बता दें कि नैनीताल में टैक्सी स्टैंड के पास यूनियन के चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है और आगामी 2 अगस्त को चुनाव प्रक्रिया सम्पन्न होगी। वहीं टैक्सी चालकों ने बताया कि सड़क पीली नंबर प्लेट की वजह से टैक्सी चालकों के साथ पुलिस और RTO का व्यवहार ठीक नहीं होता, जिसके कारण टैक्सी चालकों को मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। हाँ, दिल्ली की बसें, लोकल दिल्ली की, हमारे पे आज रेट है हमारा दिल्ली का 9,500 रुपये और वहाँ गाड़ी मिल जाती है उन्हें 3,500 रुपये में, जिससे काफ़ी लोग आहत हो के, हमारे ड्राइवर लोग जिन पे बिल्कुल रोजी रोटी का बहुत बड़ा संकट आ गया है। यहाँ अगर यूनियन नहीं बन रही है तो उसमें रजिस्ट्रेशन होगा, आपको पता चलेगा कि हाँ कि ये बंदा यहाँ से रजिस्टर्ड है। इन फ्यूचर अगर कहीं पर कोई केस होता है तो डायरेक्ट आके आप यूनियन पर पता कर सकते हैं कि गाड़ी वाला कौन था क्या था। पीली नंबर प्लेट देखते ही ड्राइवर आदमी, पीली नंबर प्लेट देखते ही उसे मतलब एक ऐसा समझता है कमजोर वर्ग, हर कोई इस पर हावी होने की सोचता है। ड्राइवर आदमी को अभी आप एक ड्राइवर आदमी प्राइवेट गाड़ी में बैठ जाए उससे आदमी साफ कह के, एक ड्राइवर आदमी अपनी खुद गाड़ी का मालिक है लेकिन उससे ओए हटो यहाँ से, ये आदमी की धारणा बन चुकी है। जब हमारा धीरे धीरे हमारा संगठन बन जाएगा फिर उसमें हम उसमें धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप जो हम काम करेंगे ये अवैध स्टैंड को हटाने का।